हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द नाइट्रिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम सभी नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि नाइट्रिक एसिड के इस लेक्चर के अंदर हम सभी क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, देन उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने जितने लेक्चर अपलोड किए हैं इससे पहले, मैंने अभी अमोनिया इंडस्ट्री और उसके पहले सल्फर इंडस्ट्री के लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होती हैं, मॉलिकुलर वेट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है दोस्तों, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देन हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्रिक एसिड को केमिकल इंडस्ट्री और प्रोसेस इंडस्ट्री के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो दोस्तों उसके पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि अपने YouTube चैनल के अंदर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु के अंदर आप सभी को नोट्स, पेड नोट्स अवेलेबल कर दी गई हैं जो कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्लासेज आएंगे मैं केमिकल टेक्नोलॉजी आने वाले 2 वीक्स के अंदर ख़त्म करने वाला हूँ। केमिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस आप सभी का बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए मैं बता दूँ दोस्तों, उसकी जो नोट्स होगी मैं आप सभी को फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा दूंगा, बट जो नोट्स हैं वो आप सभी को पेड कर दी गई हैं। उसकी नोट्स आप सभी को 11 रुपये मात्र दोस्तों 11 रुपये में अवेलेबल करी गई है। आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है 9260-9595-43-48 9260-9543-48, इसमें आपको कॉल या मैसेज करके मुझे बताना है कि मुझे पेड क्लास लेनी है, पेड नोट्स लेनी है, सॉरी दोस्तों पेड नोट्स लेनी है। तो मैं आप सभी को प्रोसेस बता दूंगा कि आपको पेड नोट्स कैसे मिलेगा, क्या क्या उसमें करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने आगे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत, जहाँ पे हम सभी पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों नाइट्रिक एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो केमिकल रिएक्शंस आती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नाइट्रिक एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में सर्वप्रथम आपका आता है मॉलिकुलर वेट। जी हाँ दोस्तों, जो नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर वेट होता है वो 63.03% होता है। कितना होता है दोस्तों, मतलब परसेंट नहीं, आप इसका मॉलिकुलर वेट है तो मॉलिकुलर वेट ही कहेंगे, कितना होता है 63.03 होता है। तो मॉलिकुलर वेट आप कैसे निकालेंगे मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे मॉलिकुलर वेट आप सभी को निकालना है इसका, एक सेकंड मुझे ब्रश मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला नेम क्या होता है, HNO3। क्या होता है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला नेम होता है HNO3। तो इसका क्या करना है दोस्तों, जितने भी इसके एटॉमिक वेट हैं उन सब की, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका 1+ में नाइट्रोजन, इसका जितना आता है उसको प्लस में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 × में ऑक्सीजन का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको लिख देंगे यहाँ पे, और तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा हमारा 63.03। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, गलांक पॉइंट। गलांक पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जिस जगह पे जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो क्या होने लगेगा, गलने लग जाएगा, मतलब मेल्ट होने लग जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा नाइट्रिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, 42 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जब आपका पेपर आता है तो आपको किस वे में लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, सर्वप्रथम क्या आता है दोस्तों आप सभी का इंट्रोडक्शन, देन आपको लिखना है बेसिक प्रॉपर्टीज़। क्या लिखना है दोस्तों, बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब आपको क्या लिखना है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन। क्या लिखना है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यूजेस। ठीक दोस्तों, 4 हेडिंग बता दिया मैंने। उसके बाद आता है लास्ट से पहले फ्लो शीट डायग्राम। क्या बनाना है दोस्तों, अगर किस कोई भी इंडस्ट्री है तो उसमें फ्लो शीट डायग्राम है, आपको क्या करना है, फ्लो शीट डायग्राम बनाना है।
देन आपको प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लिखकर वहीं छोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया जो कि आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, 86, क्या है, 86 डिग्री सेल्सियस। अब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लें, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.51 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1.51। आपको बता दें जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, वाटर के जैसे ही। और बता दें दोस्तों ये जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, मतलब जल के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये सॉल्यूबल होता है। और ये स्किन के लिए क्या है दोस्तों, हार्मफुल है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये एक तरीके का एसिड है जो कि स्किन को क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, स्किन को ये जला देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिएक्शंस की। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो मैं बताया अभी बेसिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, यूजेस और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, फ्लो शीट डायग्राम। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो समझा दे रहा हूँ, लेकिन बाकी सब जैसे केमिकल रिएक्शन हो गए, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई, यूजर्स हो गए, इनके सबके आप सभी को पेड नोट्स लेनी होंगी जो सिर्फ 11 रुपये में अवेलेबल है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, पॉलीटेक्निक केमिकल गुरु। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी बताया था, मेरे नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करके बोलना है कि सर मुझे पेड नोट्स चाहिए, तो मैं आप सभी को प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे आपको पेड नोट्स मिलेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जब भी सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम अमोनिया को लेते हैं। नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, अमोनिया की। तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो अमोनिया है उसको मैंने अभी जस्ट ही इस लेक्चर से पहले पढ़ा था। अगर आपने अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसके लिंक को क्लिक करिए, पहले आप अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझिए, तब आप नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है तो सबसे पहले आप सभी को अमोनिया बनाना आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, अमोनिया को लेते हैं। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, NH3 होता है। क्या होता है, NH3। उसको क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या मिलेगा दोस्तों, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। उसके बाद हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्या करना है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन चुका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को दोबारा से हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है दोस्तों, HNO3। ये क्या है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड। यहाँ से नाइट्रिक एसिड 50-60% तक मिलती है, लेकिन दोस्तों इसके कंसंट्रेशन को और हाई करा जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन को किसके द्वारा हाई करी जाती है, ये सब हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और वाटर हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारा नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्टोरेज टैंक। तो क्या करते हैं दोस्तों समझिएगा, सर्वप्रथम हम अमोनिया को लेकर आते हैं और स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एकदम लास्ट में ये आपको कंप्रेसर दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसको कंप्रेसर के अंदर लेकर आते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज किया जाता है। कंप्रेसर से क्या किया जाता है दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसका हम टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करते हैं कंप्रेसर के थ्रू। अब क्या है दोस्तों, कन्वर्टर और रिएक्टर। अब आपको कन्वर्टर और रिएक्टर आता है, तो कन्वर्टर और रिएक्टर क्या है दोस्तों, ये आपका है कन्वर्टर रिएक्टर। ये क्या है दोस्तों, इसे आप कन्वर्टर भी बोल सकते हैं और रिएक्टर भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं कन्वर्टर और रिएक्टर बोल रहा था।
तो देखते हैं दोस्तों कन्वर्टर और रिएक्टर, या फिर कन्वर्टर व रिएक्टर का क्या काम है। इसमें तीन सेक्शन होते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसमें तीन सेक्शन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने हो गए? तीन सेक्शन हो गया। ये क्या होता है दोस्तों, ट्यूब एंड सेल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? ट्यूब एंड सेल टाइप का होता है। ये हमारा ट्यूब एंड सेल टाइप का होता है। अब देखते हैं दोस्तों, कन्वर्टर ट्यूब साइड में होता है। क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कन्वर्टर होता है वो साइड में होता है। ये किस टाइप का होता है दोस्तों, कन्वर्टर व रिएक्टर? ये जो हमारा कन्वर्टर रिएक्टर है, इसमें तीन सेक्शन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है आपका। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये हमारा सेल और ट्यूब साइड का होता है। ठीक है दोस्तों, कन्वर्टर ट्यूब साइड में होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें जो कन्वर्टर ट्यूब होता है वो साइड में होता है। अब क्या है, सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर सेल साइड में होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया कि ये क्या है, कन्वर्टर और रिएक्टर है। इसमें तीन साइडें होती हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें तीन सेक्शन होते हैं या फिर तीन साइड होते हैं। ये क्या होता है, सेल और ट्यूब टाइप का होता है। तो कन्वर्टर क्या होता है दोस्तों, मेरा ट्यूब साइड में होता है। कन्वर्टर हमारा ट्यूब साइड में होता है, और जो हमारा सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर है वो हमारा सेल साइड में होता है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया हुआ है। तो समझ लीजिए दोस्तों, कन्वर्टर क्या है, ट्यूब साइड में होगा, हीट रिकवरी बॉयलर और सुपर हीटर सेल साइड में होता है। अब आगे समझते हैं क्या है दोस्तों, कन्वर्टर के अंदर अमोनिया और एयर को लेकर आया जाता है। सबसे पहले रिएक्शन आप सभी को याद होगा दोस्तों, अमोनिया को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे एयर को क्या मान के चल रहे हैं, ऑक्सीजन। तो अमोनिया के अंदर कन्वर्टर के अंदर, सॉरी दोस्तों, कन्वर्टर के अंदर अमोनिया और ऑक्सीजन को लेकर आया जाता है, जिससे इसमें रिएक्शन होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। समझ, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो इसमें से क्या होता है, हीट हमारी रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होती है तो आप सभी को पता होगा कि ये जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें जब कोई भी मतलब हीट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सबको इन लोग वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो हीट जो रिलीज हुई है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम सभी उसको हम हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पे वाटर पहले से प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है दोस्तों, हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। जब वो वाटर हीट के प्रेजेंस में आता है तो वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसे सुपर हीटर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे इसे सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब वो सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे हम प्रोसेस स्टीम में ले जाते हैं, और प्रोसेस स्टीम के बाद उसको हम प्रोसेस स्टीम के अंदर उसका कार्य कराते हैं। उसके बाद उसे हम टर्बाइन स्टीम में लेके आते हैं। टर्बाइन स्टीम का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, आप सभी को यहाँ कंप्रेसर देखने को मिल रहा होगा। कंप्रेसर को मूव कराने के लिए इसमें एक टर्बाइन लगा होता है। मतलब कंप्रेसर नहीं मूव करता, एक्चुअली में टर्बाइन मूव करता है। तो टर्बाइन को मूव कराने के लिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है, तो स्टीम को ले लेते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कन्वर्टर क्या होता है। यहाँ पर रिएक्शन होती है हमारी। कन्वर्टर कौन सा साइड में होता है? हमारा ट्यूब साइड में। और जो सेल साइड में होता है वो सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर होता है। इन दोनों का उपयोग मैंने बता दिया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, जो हीट के प्रेजेंट में आते ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर हीटर के अंदर ले जाएंगे, ये सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्या होता है, कैटलिस्ट रिकवरी। तो कैटलिस्ट रिकवरी के अंदर क्या करना है हमको, समझिएगा। जो हमारी रिएक्शन होती है कन्वर्टर के अंदर, वो किसके प्रेजेंस में होती है, रोहिडियम और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में। ये दोनों क्या है दोस्तों, एक प्रकार के कैटलिस्ट हैं। तो ये रोहिडियम और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में होते हैं। आप सभी को अगर कैटलिस्ट नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। कैटलिस्ट क्या होता है दोस्तों, जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब कैटलिस्ट ऐसे समझ लीजिए, जो कि हमारे प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। बहुत ही जल्दी जल्दी हमारा प्रोसेस होने लगेगा कैटलिस्ट को लगाने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो कैटलिस्ट क्या होता है, बहुत रेयर होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर के द्वारा रिकवर कर लेते हैं। जो कि मतलब जब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब हमारी रिएक्शन होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ वो निकल जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। क्या निकल जाता है दोस्तों, हमारा कैटलिस्ट, जो कि प्लेटिनियम रोहिडियम होता है। तो इसे हम कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर द्वारा रिकवर कर लेते हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, हमारा स्टीम इकोनोमाइजर। तो आप समझिएगा, आप सभी को मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन में स्टीम लेके आई जाती है, जिससे टरबाइन मूव करता है। जब टरबाइन मूव कर जाएगा तो स्टीम को ये क्या करता है,
वाटर में कन्वर्ट करता है। कौन से वाटर में? कंडेंसेट वाटर में। तो कंडेंसेट वाटर हमारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं अब इसे रेड लाइट से कर रहा हूँ, तो आपको जो रेड लाइट से दिखेगा वो समझ लीजिए कंडेंसेट वाटर की पाइप जा रही है। तो यहाँ से कंडेंसेट वाटर जाता है हमारा किसके पास? स्टीम इकोनोमाइज़र के पास। ये देखिए स्टीम इकोनोमाइज़र के पास हमारा कंडेंसेट वाटर पहुँचा। यहाँ क्या होता है, हीट आई रहती है, पहले से कुछ हीट आ जाती है स्टीम इकोनोमाइज़र में। फिर से वही प्रोसेस, जब कंडेंसेट वाटर हीट के साथ एक्सेस होता है तब ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम बन जाती है, सॉरी दोस्तों स्टीम बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, हीट रिकवरी बॉयलर में ले जाता है, फिर इसे सुपर हीटर के अंदर लेके जाया जाता है। तो सुपर हीटर के अंदर इसे सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर से वही प्रोसेस वो हो जाती है, रीस्टार्ट हो जाती है। ये क्या होगा, हमारा प्रोसेस स्टीम में कन्वर्ट होगा और कुछ जो स्टीम बची रहेगी उसको लेके आएंगे यहाँ से, जिसको क्या करेंगे, टरबाइन के पास लेके आएंगे, जो कि स्टीम टरबाइन को मूव कराने काम आएगा। फिर इसे सेचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर स्टीम इकोनोमाइज़र में लेके जाएंगे, जो कि फिर इसे वाटर में कन्वर्ट कर देगा, जहाँ पे पहले से, अभी मैंने बताया नहीं था, हीट रिकवरी बॉयलर में पहले से वाटर प्रेजेंट रहता है, तो वो वाटर यही रहता है जो हमारा स्टीम इकोनोमाइज़र से कंडेंसेट वाटर जो आता है और हीट के साथ एक्सेस होता है, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कि हीट रिकवरी बॉयलर में पहले से वाटर प्रेजेंट रहता है। आई थिंक दोस्तों बहुत ही अच्छे से इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट, वेसल, जो कि क्या होता है, ये होता है। अब क्या कहते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से। उसके बाद नाइट्रिक एसिड को वेसल के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पर वेसल के ऊपर से वाटर को डाला जाता है। आपको सब दिख रहा होगा, ये H2O को डाला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसे वाटर को डालने से क्या होता है, ये डायल्यूट एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या है ये आपका? ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को लेकर आया जाता है और ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जाता है। समझिएगा दोस्तों, क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को लेकर आ रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रवेश करा रहे हैं, ठीक ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जाता है, NO2 फॉर्म। क्या होगा दोस्तों, जब ऑक्सीजन प्रवेश कराया जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड में, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। आप सभी को मैंने बताया था रिएक्शन के दौरान क्या था, अभी तक मेरा नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। कहाँ से फॉर्म हुआ है, यहाँ कन्वर्टर से नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। इसे वेसल के अंदर लेके आते हैं, वेसल से इसे हम ऑक्सीडेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन टावर में लेके जाते हैं, जहाँ पे इसमें ऑक्सीजन भी डाला जाता है। जब ऑक्सीजन डाल देंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद इसमें क्या करते हैं दोस्तों, वाटर डाल देते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे तीन रिएक्शन बताई थी। सर्वप्रथम रिएक्शन आपको सब फिर से याद दिला दे रहा हूँ मैं, जो अमोनिया था उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तब नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक दोस्तों। नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो गया, उसको हम लेके आए हम किसमें, एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। तो HNO3 क्या है दोस्तों, हमारा नाइट्रिक एसिड। तो क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद वाटर डाल दिया जाता है किसमें, एब्जॉर्प्शन एंड ऑक्सीडेशन टावर के अंदर। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा वाटर डालने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बना देता है। HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर दोस्तों मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो केमिकल रिएक्शन है और जो उसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है और आप सभी का बेसिक प्रॉपर्टी, ये सब अगर आप सभी को चाहिए तो पेड नोट्स अवेलेबल है, मात्र 11 रुपये मिल रही है, जल्दी से परचेस कर लीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।